हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड एक शेयर की। तो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में पावर सेक्टर में बहुत ही भारी एक डिमांड आई है और आने वाला जो टाइम है ऐसा नजर आ रहा है कि वो अब पावर सेक्टर एक यूटिलिटी की जगह एक ग्रोथ सेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इसमें एनुअल डिमांड जो है वो 10-12% तक की ग्रोथ नजर आ रही है ईयर ऑन ईयर। तो जो डिमांड है वो 10-12% इंक्रीज हुई है, तो जिसकी वजह से, और ये एनुअली नजर आया है पिछले कुछ सालों के अंदर। तो हर साल अगर 10-12% की ग्रोथ नजर आती है तो ऑब्वियसली एक ग्रोथ सेक्टर की तरह नजर आएगा, ना कि स्टैग्नेंट यूटिलिटी की तरह। और जो पावर डिमांड है वो 142 बिलियन यूनिट तक रीच हो गई है इस साल, सितंबर में हाईएस्ट डिमांड रही। और जो कोल जो कार्बन को रिड्यूस करने के लिए जो कोल पावर प्लांट थे उसको जो रिड्यूस बंद करने की जो डेडलाइन थी वो अभी एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2024 तक, जब तक अल्टरनेट सोर्स नहीं दिखाई। तो इन रीजंस की वजह से जो पावर सेक्टर, आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में एक अच्छा बूम दिखाया, जिसमें स्पेसिफिकली NTPC और पावर ग्रिड ने मार्केट में लीड करी। और एक अभी HSBC की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने फैक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने NTPC को रिकमेंड भी किया है और उसकी टारगेट अपग्रेड भी किए हैं। तो आइए क्विकली देखते हैं NTPC में इन न्यूज की वजह से क्या इंपैक्ट आना और क्या टारगेट बनते हैं। तो दोस्तों, तो ये NTPC का वीकली चार्ट है जिसमें इसने 2009 में इसने एक हाई बनाया था अराउंड 244 रुपीज 95 पैसे, इसका एक हाई बनाया था। और उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे 9 साल एक टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड रहा है ये सेक्टर। तो इस सेक्टर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया पिछले 10-12 साल में, और अब 20 के बाद उसने एक रैली दिखाई और कंटिन्यूस रैली देखिए तो इसमें एक अपवर्ड चैनल की तरह प्रॉपर एक अपवर्ड चैनल चलता रहा, जिसमें अगर इसको और एक्सटेंड करेंगे देखिए यहाँ तक बहुत ही ब्यूटीफुली इसने अपर रेजिस्टेंस और लोअर रेजिस्टेंस फॉलो करते हुआ चला। तो जिसमें इसमें अपर रेजिस्टेंस जो था इसको कई बार इसने टच करके फिर डाउन आया और नीचे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ देखिए जैन 21 में, फिर अप्रैल 21 में, जैन 22 में, तो हर कुछ टाइम पे इसमें सपोर्ट लेके रिबाउंड करता रहा। तो बहुत ही ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा सपोर्ट की तरह इसमें इसने प्रोवाइड किया। अब फाइनली देखिए क्या हुआ है, 28 अगस्त को वीक में इस स्टॉक ने जो अपना ट्रेंड लाइन था उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जो कि था 221 रुपए, ब्रेक करने के बाद उसने एक कंटिन्यूस हाई दिखाया और अब शेयर आ गया जो इसका पिछले 10 साल का जो हाई था जो हमने बात की 244 रुपीज 95 पैसे, उसको लास्ट वीक में इसने ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ देखिए इसने जो पिछला हाई 10 साल का, इनफैक्ट पिछले 13 साल का जो हाई था 244 रुपीज, उसको फाइनली अब 13 साल बाद ब्रेक किया है। तो अब इसने चैनल, ये जो चैनल था इसको भी ब्रेक किया है यहाँ पे, और जो अपना 10 साल का हाई था इसको भी ब्रेक किया है। तो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है और मार्केट भी और जो न्यूज फ्लो है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो NTPC में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी नजर आती है आने वाले टाइम। तो इसमें अगर आप टारगेट देखेंगे तो ऊपर की तरफ में, तो ऊपर में जो टारगेट बनेंगे इसके देखिए अप्रोक्सीमेटली 283 के आसपास तक के टारगेट नजर आते हैं इसमें आने वाले टाइम में। तो फंडामेंटली मार्केट न्यूज और टेक्निकली तीनों तरीके से ये स्टॉक एक अच्छा पोजीशन में है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो इसके अगर क्विक सपोर्ट की बात करें, देखिए ये एक लेवल था जिसमें इसने 224 को ब्रेक किया, तो इसका जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनता है वो अराउंड 226 रुपए तक आता है। 226 रुपए का नीचे एक सपोर्ट और 285 का टारगेट, ये आने वाले कुछ टाइम के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रख। और क्योंकि जो हमने बात करी कि मार्केट में डिमांड है और एनुअली डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा विद टाइम विद 10-12%। तो इनिशियली हो सकता है क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो इनको अपना कैपेक्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए एक इन्वेस्टमेंट लगती है हैवी इन सेक्टर में। तो इनिशियली आप देख सकते हैं हो सकता है थोड़ा सा पे कैपेक्स की कॉस्ट आए, लेकिन ग्रेजुअली विद रिटर्न्स वो इजीली मिटिगेट हो जाए। तो होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आप भी अपनी एनालिसिस करिए और उसके बेसिस पे देखिए कि क्या आपके एनालिसिस के बेसिस पे NTPC एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है। और साथ में अगर इसका वॉल्यूम भी देखें तो देखिए इसके वॉल्यूम भी अच्छी ग्रोथ आई है लास्ट वीक के अंदर, तो इन 3 वीक्स के अंदर जुलाई में और उसके बाद
सितंबर में अच्छी वॉल्यूम के साथ में ये ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें एक अपना स्टेक बना रहे हैं। तो अगर अपसाइड देखें तो करीब 17-18% का पोटेंशियल इसमें बीबी को नजर आता है। दोस्तों होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके और उसके हम भी कुछ सीखें और वीडियो से आप भी कुछ। थैंक यू।